कॉरुगेटेड या जिगजैग खोखा फेंकने से अच्छा आप लोग ऐसे अच्छा फर्नीचर बना सकें, हम लोग देख सकें जा ये हम लोग कितर करें जा। सबसे पहले एगो लंबा कार्ड शीट लेके ऊपर ऐसा आकार बना ले, ऐसा कर ले के बाद ओके दूगो बराबर हिस्सा में काट लें। आप लोग देख सकते हैं जा कितर है। अब आप लोग इनमें मोटा लाइन और पतली लाइन देख सकते हैं जा। अब हम लोग पतली लाइन के एगो सुई से खरोचन जा ताकि वहाँ हम लोग आराम से के मोड़ सकन जा। आप लोग देख सकते हैं जा कि हम लोग कितर करते हैं जा। अब हम लोग देख सकते हैं जा कि ई मोड़ हम लोग जिगजैग तरीका से करते हैं जा, जहाँ पर हम लोग पिन से खरोच ले रहे जा, ये ताकि हम लोग का जिगजैग कॉरुगेटेड तैयार हो सके। ऐसा जिगजैग फोल्ड के हम लोग फैन फोल्ड भी कहे नहीं जा। एक वापस जोड़ के अब बीच का जो मोटा वाला हिस्सा हवे लाइन हवे ओके काट लें और उनमें से तनी सा हिस्सा काट के निकाल लें। ये सिर्फ कट लेना है जा, उनमें से तनी सा हिस्सा हम लोग काट के निकल नहीं जा। आप लोग ध्यान से देखें, ऐसा आप लोग दो को हिस्सा बना लें और एक दूसरे के जोड़ लें। कटल भइल हिस्सा एक दूसरे में जाएला और एक दूसरे से जुड़ के लॉक हो जाएला। आप लोग देख सकते हैं जा ये हम लोग के तरह करते हैं जा। ऐसा कैले पे आप लोग देख सकते हैं जा कि ये एगो सांप जैसन फोल्ड हो गए लो। एक अंग्रेजी में एकॉर्डियन फोल्ड भी कहल जाला। आप लोग देख सकते हैं जा कैसन दिखेला। अब ऐसा एकॉर्डियन फोल्ड के ऊपर आप लोग एगो मोटा कार्डशीट रख लें। आप लोग देख सकते हैं जा कितर। अब आप लोग एक ऊपर एगो ईट भी रख सके नहीं जा। आप लोग देख सकें जा कि ईट का भी वजन ले लेवेला। अब एक अंदर ताकत आ गई लगे, ये अब बहुत ही मजबूत टेबल बन गई लगे। आप लोग एक से दो गो ईट भी रख सके नहीं जा। ये आकार के हनीकॉम स्ट्रक्चर भी कहल जाला। ऐसने आप लोग फुट्टा से भी बना सके नहीं जा और ओकरे ऊपर प्लाईवुड या मोटा फुट्टा रख के ऊपर अपन वजन रख सके नहीं जा। ये बहुत ही अच्छा और मजबूत टेबल हवे बनाए खातिर। ऐसे आप लोग एगो कुर्सी बना के या टेबल बना के ऊपर बैठ भी सके नहीं जा। ये आराम से आप लोगों का वजन ले ले हवे ना, बहुत ही अच्छा टेबल बनाए का तरीका।